और इस क्लास में सबसे पहले हम बात कर रहे हैं फाइल की प्रॉपर्टीज को मेंटेन करना। किसी फाइल की प्रॉपर्टी को मेंटेन क्यों करना है, कैसे करना है और क्या बेनिफिट्स है। चलिए एक फाइल देखते हैं आपके सामने। जैसे कि आपके सामने बहुत सारे फाइल्स है, इसमें देखिए एरे की फाइल्स है, राइट। अब इस एरे की जो फाइल है, अब इस फाइल में क्या टाइप, क्या डेटा है, क्या चीज है, इसके नाम से पता चलेगा। अगर इस नाम से पता नहीं चला तो क्या करेंगे हमें, इसको इसके डेटा देखना पड़ेगा ना। होता है ना कि आपके ऑफिस में कुछ पुराने डेटा होते हैं, उसका नाम बुक वन, डेटा समरी, रिपोर्ट ऐसा रख देते हैं। छह महीने बाद आपको, महीने दो महीने, छह महीने क्या, हफ्ते दो हफ्ते बाद आपको आइडिया नहीं रहता है इसके अंदर डेटा क्या है, समझे। ये तो सर माइक्रो फाइल है ना, तभी इसका आइकन थोड़ा अलग है। ये एक्सेलस एक्स फाइल है। अच्छा। तो मैं बड़ा कर रखा, जूम कर रखा, तो फाइल है एक्सेलस एक्स फाइल, एक्सेलस एम फाइल है, माइक्रो अनेबल वर्कबुक अनेबल है। ये आपका एक्सेल नॉर्मल एक्सेल फाइल है, ये मैक्रो फाइल है, ठीक है। तो हम इस पे डिस्कस कर रहे हैं कि इसके अंदर डेटा क्या है, कैसे पता चलेगा। तो मुझे इसको ओपन करना पड़ेगा। देखिए ऐसा कुछ हो कि फाइल, क्योंकि मान लीजिए बहुत बड़ी फाइल होती है, उसको ओपन करने और क्लोज करने में काफी टाइम लगता है। डबल क्लिक करके आप उसको ओपन करेंगे, उसको क्लोज करेंगे, तो उसमें आपका टाइम कंज्यूम जो है बहुत ज्यादा होता है। हम चाहते हैं कि बिना टाइम मैंने ओपन किए पता चल जाए। तो आपको ऐसा अगर चाहते हो तो पहले आप फाइल बनाते ही आपको उसकी प्रॉपर्टी मेंटेन करनी है। कैसे, इस पर राइट क्लिक करें। मान लीजिए कि मैंने अभी फाइल जस्ट एरे फाइल बनाया है, जस्ट मुझे पता है कि एरे के एग्जांपल है। तो प्रॉपर्टी में हम जाएंगे, इसकी डिटेल्स पे जाएंगे और सॉरी राइट क्लिक प्रॉपर्टी और इसकी डिटेल्स में जाएंगे और यहाँ इसकी टाइटल्स को फिल कर देंगे। हम यहाँ दे देते हैं कि दिस इज एरे फॉर्मूला एग्जांपल। इसमें सब्जेक्ट इसका दे देते हैं बैच, टैग। टैग क्या होता है, ढूंढना, मतलब कि कीवर्ड्स। इस फाइल को कितने और नाम से ढूंढ सकते हैं, जैसे हमने यहां पे लिख दिया, मैं इसको फॉर्मूला के नाम से ढूंढ सकता हूँ, फॉर्मूलाज के नाम से मैं इसको ढूंढ सकता हूँ, मान लीजिए एंटर के नाम से, ठीक है। तो ऐसे टैग हमने दे दिए, बाकी और चीजें भी दे सकते हैं। फिर मैं इसको अप्लाई करके ओके कर दूं, फिर इसको रिफ्रेश कर। अब देखिए जैसे इस पर कर्सर जाएगा, दिख रहा है आपको, दिस इज द एरे फॉर्मूला एग्जांपल फाइल बैच 8-9 क्लास फाइल। अब लग रहा है इस फाइल को ये जानने के लिए ओपन करना है कि इसके अंदर डेटा क्या है, क्या सुधीर जी? नहीं सही है, ठीक है इसको। अब ये जैसे कि आपके जो इम्पोर्टेंट फाइल्स होते हैं, जिसको आपको लगता है कि इन फ्यूचर में इसका यूज आप कर सकते हैं, तो उसके जगह पे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं क्या सर? राइट सर, वन बाय वन इसको मेंटेन आप कर सकते हैं। अब अभी हमने इसमें टैग दिया था, टैग का बेनिफिट क्या है, जैसे आप सर्च करोगे तो मैंने इसमें मान लीजिए एरे एरे सर्च किया, फाइल का नाम एरे है तो सर्च रिजल्ट में एरे आ गया सर। मैं इसमें फॉर्मूला सर्च कर रहा हूं तो फॉर्मूला में एरे आया, क्यों? क्योंकि इसके टैग में फॉर्मूला लगा है, या फिर एंटर इसके टैग में लगा हुआ। तो जो टैग दिया था हमने, फॉर्मूला दिया था, एंटर दिया था, उससे भी इसको सर्च कर लेगा, समझ गए? ऐसा इसलिए बोला हूं क्योंकि जैसे मेरा रिसर्च कहता है कि आप अपने ऑफिस टाइमिंग का 25-30% सिर्फ फाइल एंड फोल्डर को ढूंढने में वेस्ट करते हैं, और ये रिसर्च मेरा सही भी हो सकता है सर। राइट सर,
इसका यूज आप लोग अपने ऑफिशियल लाइफ में जरूर कीजिएगा।